हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। चलो डिस्कस करें हम डेटा हैंडलिंग वन। ठीक है, डेटा हैंडलिंग इसमें क्लास में स्ट्रिंग के बारे में बताया था, कैसे उसको हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग। अब मुझे उसकी लेंथ मेजर करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी ये मेजर कैसे करनी है। उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे लेंथ, इस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यूज दिस। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने लिखा, हमने मान लो एस टी लिया, हमने स्ट्रिंग दिया यहाँ पे, डबल कोट लगाया, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लिखा हेलो वर्ल्ड। अब हमने कहा इसके मैं लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है लेंथ। तो लेंथ निकालने के सबसे अच्छा तरीका क्या, प्रिंट लगाएंगे, क्या लिखेंगे लेंथ, और इसके अंदर एस टी लिखेंगे, ये चीज यहाँ लिखेंगे। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसका लेंथ कितना होगा, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना होगा आंसर 11 होगा। इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। तो इस तरह से इसको काउंट करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करके, इसका यूज करके हम लोग इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। कैसे हमने किया है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या शो कराया, स्ट्रिंग शो कराया, ये देख सकते हैं डबल कोट लगा हुआ, ये क्या स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे इस स्ट्रिंग की जो एस टी है जिसके अंदर ये वाली स्ट्रिंग इंटर है, स्टोर है, उसकी मुझे लेंथ पता करनी है, तो कैसे करेंगे। हमने क्या लेन फंक्शन का यूज किया, लेन, और इसके अंदर क्या लिखा एस टी। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके अंदर है, फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लेंथ घुमाया हुई चीज, तो इसको हम लेंथ ऐसे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्ट्रिंग के बाद लिस्ट, क्या है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या होती है, अ लिस्ट इन पाइथन, अ लिस्ट इन पाइथन, अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा, रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड, लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, ऑफ एनी डेटा टाइप, एनी डेटा टाइप, ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वेयर ब्रैकेट्स, बिटवीन स्क्वेयर ब्रैकेट्स, मतलब क्या है, अ लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट, कैसे लिस्ट रिप्रेजेंट होगी, कॉमा सेपरेटेड, मतलब कॉमा लगा के हम लोग उसको अलग अलग करते चले जाएंगे, वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप, हमें पता डेटा क्या होते हैं, इंट होता है, फ्लॉट होगा, स्ट्रिंग होगा, ये दो का डेटा टाइप। ठीक है, डेटा हमारे क्या होंगे, यही दोनों डेटा टाइप, बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स मींस, देखिए हमने लिया एल वन, ये मेरा वेरिएबल है, ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स है, क्या है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो ये लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट को हम लोग स्टोर करते हैं, तो ये लिस्ट कैसे होगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये क्या लिस्ट है, इन ब्रैकेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लिस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग नंबर दे सकते हैं, आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन मिक्सिंग दे सकते हैं, कैसे देख लीजिए, पहले बता देते हैं 2, 4, 8, 10, 12, देखिए हमने क्या नंबर दे रखे हैं, और कॉमा इसको क्या सेपरेट कर रहा है, कॉमा क्या कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, इसको चारों पांचों को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये सेपरेटेड कॉमा है,
और ये हमारी किस नाम की लिस्ट है, इंटीजर नंबर्स है। किस नाम की नंबर है, इंटीजर नंबर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ले लिया एल टू, क्या लिखा हमने 2.0, 4.2, 8.6, 10.2, 12.0। अब देखिए ये किस टाइप की आएगी, ये हो गया इंटीजर एलिमेंट्स। ये किस टाइप के एलिमेंट है, इंटीजर एलिमेंट्स है। देखिए इंटीजर है, कोई डेसिमल पॉइंट यूज हुआ, कोई नहीं हुआ। इसमें देखिए इसमें क्या है, पॉइंट यूज हुआ, तो ये किस टाइप के एलिमेंट होंगे, फ्लोट एलिमेंट्स। क्या होंगे, फ्लोटिंग एलिमेंट्स होंगे। क्यों, फ्लोट क्या होता है, डेसिमल पॉइंट यूज होता है, तो ये डेसिमल पॉइंट इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या फ्लोट एलिमेंट्स है, क्या ये फ्लोट एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमने एल थ्री ले लिया, ए ई आई ओ यू, ये किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट्स। किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग एलिमेंट्स। ठीक है, हमने लास्ट लिया एल फोर, एल फोर में क्या किया 2.4, 4.8, 6, 8.0, जेड और एक्स, ये ले लिया हमने, दिख रहा है आपको, यहां पे हमने इसको ले लिया। आप देखिए ये इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स है। कैसे, ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, ये इंटीजर टाइप है, ये फ्लोट टाइप है, ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप है। देख सकते सिंगल कोट लगा हुआ है, तो ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रिंग टाइप है। अब ये मिक्सिंग हो गया सभी का, सभी डेटा बेट मिक्सिंग हो गया इसके अंदर, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। स्टेप्स देखिए, फोर कंडीशन हो सकती हैं लिस्ट में, स्टेप्स ये और वो। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज ले लेते हैं इसमें, टू चेंज सेकेंड वैल्यू, एल वन वैल्यू। अब देखिए यहां पे हमें क्या करना, वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, सेकेंड जो वैल्यू है उसको हमें चेंज करना है इस लिस्ट में, एल वन में जो सेकेंड प्लेस में जो वैल्यू है फोर, उसकी जगह मुझे कुछ और करना है, कुछ और वैल्यू लिखनी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप हमने इंडेक्सिंग बताया था, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 0 to 4 इंडेक्सिंग है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, एल वन लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्सिंग देंगे। आप सेकंड वैल्यू क्या है, ये सेकंड वैल्यू, इसका इंडेक्सिंग क्या है, ये इंडेक्सिंग है, क्या लिखेंगे, 1। यहाँ जैसे मैंने लिखा 50, क्या लिखा 50, तो ये L1 जो दे रखा है उसका इंडेक्स 1 है, उसकी जगह क्या कर देगा 50 कर देगा, 4 की जगह क्या कर देगा 50। अब आप जब लिस्ट प्रिंट कराएंगे, प्रिंट L1, तो हमें न्यू लिस्ट मिल जाएगी क्या 2, 50, 8, 10 और 12। ये लिस्ट हमें अपडेट लिस्ट हमें क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये अपडेट लिस्ट हमें मिल जाएगी, इस टाइप से हम लोग वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। फरमाया, लिस्ट के अंदर हम लोग वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं इस टाइप से।
ये हमने दिया ऐसे, यहाँ इंडेक्स 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 देंगे, क्या देंगे इंडेक्स। अगर आपको फोर पे चेंज करना है, जैसे हमने किया फोर, फोर कर दिया हमने क्या 100, फिर जब आप लिस्ट प्रिंट कराएंगे स्टैप से तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सुनवाया? तो स्टैप से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे सभी। देखिए ट्रिपल्स आर रिप्रेजेंट, ट्रिपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सेपरेटेड वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, ऑफ एनी डेटा टाइप, ऑफ एनी डेटा टाइप विद इन पैरेंथेसिस, विद इन पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिस्ट हमने बताई थी, उसमें कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ था? स्क्वायर ब्रैकेट। टपल्स में कौन सा ब्रैकेट यूज होगा? राउंड ब्रैकेट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया टी यू वेरिएबल लिया, ये वाला ब्रैकेट यूज होगा और सेम चीज वही होगी, उसमें डिफरेंट क्या एनी डेटा दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं और स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। सेम उसी तरह है 2, 4, 8, 10, 12। ठीक है, इस टाइप से इसको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस हैं। पहला क्या है? ये ब्रैकेट्स का डिफरेंस, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, इसमें राउंड ब्रैकेट्स होते हैं। सेकंड क्या है? लिस्ट हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते थे, चेंज करके मैंने दिखाया था, लेकिन टपल्स हम लोग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉट वैल्यू कैन नॉट चेंज, वैल्यू कैन नॉट चेंज इन टपल्स, वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा लिखा है, जैसी इसमें वैल्यू दी आपने, वही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू को चेंज नहीं होगी। ये हो गया टपल्स, दोनों का डिफरेंस उल्टा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं, टपल्स में राउंड ब्रैकेट यूज होते हैं। लिस्ट क्या चेंजेबल है और टपल्स नॉन चेंजेबल है। ठीक है, तो ये आ गया आपका लिस्ट का पर्व। कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरी और म्यूटेबल एंड अनम्यूटेबल। थैंक यू।